देश भर में आचार संहिता लागू है और जो चुनाव आयोग की तरफ से एक डेट निश्चित की गई है, इसी के चलते हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी, उनसे बात करते हैं जो दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य की मांग को लेकर अब मुद्दा बनाए बैठी है, उस पर क्या कहेंगे सर। बात करते हैं जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पूर्ण राज्य को लेकर जो मुद्दा बनाए बैठे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, कितना सही मानते हैं आप उसको? देखिए, इसका नाम केजरीवाल है और ये सोचते हैं कि जिस प्रकार लगभग 4-4.5 साल पहले जनता को बेवकूफ बनाया था, वैसा ही कोई बेवकूफ बनाने का काम अब भी किया जाए। पूरे 4.5 साल की जो नाकामी है उनको छुपाने के लिए एक मुद्दा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा का मिला। इसको अच्छी तरीके से मालूम है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना कितना मुश्किल काम है, और वो इसलिए मुश्किल है कि भाजपा ने भी सोचा था इस बारे में कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की हरकतें इसने की है, धमकी देता है 26 जनवरी की परेड को रोकने की, राष्ट्रीय लेवल का एक कार्यक्रम, धमकी देता है कि हम राष्ट्रपति को बाहर नहीं निकलने देंगे, और हर चीज पर धमकी देता है। और मैं समझता हूं अगर पूर्ण राज्य इसको दे दिया गया तो यह पूरी कोशिश करेगा इसी प्रकार के काम करने की, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई भी इस प्रकार के काम के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन जो संभव है उसको किया जाएगा, उसका एक तरीका होगा, उसका एक सिस्टम होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचा होगा करने के लिए, और वो समय आने पे कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज जरूर करेगी जब भी होगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मुद्दे वाईफाई के, मुद्दे सुरक्षा महिला सुरक्षा के, मुद्दे सीसीटीवी कैमरे के, मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण जिस पे ये देश में बदलाव आया, आंधी आई लोकपाल का, मुद्दा स्वराज का और मुद्दा स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा का, कहता था कि 500 स्कूल बनवाएंगे, शायद एक भी स्कूल नहीं बना, कुछ कमरे बनाकर ये बोलता है कि हमने बहुत सारे कमरे बना दिए। आपने जो ये रोड साइड पे इन्होंने स्वास्थ्य के बनाए हैं, क्या बोलते हैं इनको, मोहल्ला क्लिनिक, उनका हालात देखिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप एक बदलाव के लिए देश में आए थे, माना कि आप दिल से बदलाव में थे और आपने बदलाव महसूस भी कर लिया दिल्ली की 67 सीट लेके, लेकिन अगर आज आप उसी गलत हरकतों पे उतर आए और गलत हरकतों से लोगों को फोन करना कि आपका नंबर जो है मतदाता सूची से हटा दिया गया आपका नाम, इस प्रकार की हरकतें करके घोंडा बधाई, ब्रह्मपुरी बधाई, ये बधाई, किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं, ये पहचानने को नहीं आ रहे हैं। एक भी क्षेत्र उत्तरी पूर्वी लोकसभा में ऐसा नहीं कि जहां से आराम से गाड़ी निकल सकती है, जहां पे दिल्ली सरकार को काम करना था। एमसीडी के पास पैसा नहीं है क्योंकि ये वहां से उनका पैसा दे नहीं रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, कितने मुद्दे बताएं, अब इनको छुपाने के लिए क्या करेगा? उसी तरीके का ढोंग करेगा जैसा कि ये शीला दीक्षित की फाइल को बगल में लिए घूमता था और जिसके चरणों में आज गिड़गिड़ा रहा है कि हमसे गठबंधन कर लो, और जब गठबंधन के इसके मुंह पर लात मारी है शीला और उसकी सरकार ने, तो अब बच्चों की कसम खाता था कि ये मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा, मैं सुविधा नहीं लूंगा गाड़ी की, और 24 घंटे गाड़ी में घूमता है, बंगले ले रखे हैं दोनों, मनीष सिसोदिया इन्होंने और पूरी इनकी टीम ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस शीला के, जिस कांग्रेस के जलदा आज वो भीख मांग कहता है, कल का शब्द है कि आज हरियाणा में तो कर लो, हम 10 की 10 सीट जीत जाएंगे। अरे जब तुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि तूने बहुत अच्छा काम किया, तू देश को बदल रहा है, तो तुझे किसी गठबंधन की क्या जरूरत है? मात्र इसी को छिपाने के लिए एक ये दिया है। लेकिन मैं नहीं समझता, बेशक शिक्षा से तो कुछ लोग कम हो सकते हैं, लेकिन इसकी चाल को सब समझ चुके हैं और ऐसे हालात होंगे इस इलेक्शन में कि सबको पता लग जाएगा कि यह बहरूपिया गिरगिट क्या है। डॉक्टर साहब, बात कीजिए, कल से एक अभियान चालू किया गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मैनोफेस्टो जलाया जा रहा है, जिसमें पूर्ण राज्य की मांग थी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी, क्योंकि देखिए, मैंने बताया कि सारी चीजों को छुपाने के लिए एक मुद्दा ढूंढता है, ये मुद्दा ढूंढा भाजपा ने, उसमें अगर लिखा है कि हम पूर्ण राज्य, तो एक सिस्टमाइज तरीके से करेंगे, इसकी तरीके से बबाल करके नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसमें कोई दखल राज्य का नहीं होगा, इस प्रकार का कुछ ना कुछ भाजपा ने सोचा होगा जरूर। लेकिन इसकी इन हरकतों के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा भी सरकार बनने के बाद ऐसी चीजें ना कर पाए, क्योंकि देखिए ना, अगर कोई बबाल करने वाला मुख्यमंत्री आ जाता है तो वो तो राष्ट्र के लिए, संसद यहां पर है, राष्ट्रपति भवन यहां है, सारी जिसे हमारे राष्ट्र की सेनाओं के दफ्तर यहां पे, ये तो सब पे भूख हड़ताल करने का नौटंकी करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये जो सोचा है इसने, ये इस बबाल को काटने के लिए सोचा है। अच्छा, बात की जाए, कल के एक कार्यक्रम में उन्होंने मनोज तिवारी जी के पिताजी तक की बात कही है, तो ये इस तरीके की जो भाषा है, क्या उसको लेकर कहना चाहिए? देखिए, जब आदमी एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन में होता है,
तो वो फिर कुछ भी उसके मुंह से निकलता है, कुछ भी वो कर सकता है, वो खुद के कपड़े भी फाड़ के खड़ा हो सकता है और सामने वाले के कपड़े भी फाड़ सकता है कभी भी। तो इतनी बुरी, जैसा कि मुझे ज्ञात है, मनोज तिवारी जी के पिताजी जब वो 8वीं क्लास में थे गुजर गए, और मैं समझता हूं कि उस वक्त का हर व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी था। इस देश को आजाद कराने में जितने नाम हम स्वतंत्रता सेनानियों के सुनते, सिर्फ वही नहीं थे, पूरा गांव, पूरा शहर, हर व्यक्ति उस वक्त उस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। नाम तो गिने चुने लोगों के आते हैं, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, उन्होंने भी देश के लिए समर्पण किया हो, लेकिन ये आजादी के बाद पैदा होने वाला केजरीवाल, इसका कौन सा समर्पण है? एक बिजली का खंभे पे तार काटने से और इसको 67 सीट मिल गई, ये सोच रहा है। बताइए, उससे पहले, सरकार बनाने से पहले इसकी क्या उपलब्धि थी? लोगों ने विश्वास करके ही वोट दिया ना, तो अब वो विश्वास इसको बरकरार रखना था, उस विश्वास को बरकरार नहीं रख पाया, तो फ्रस्ट्रेशन हुई, और फ्रस्ट्रेशन में ये इस तरीके की बातें कर रहा है अपने समकक्ष व्यक्ति को, जो कि दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हो, उनके पिताजी के लिए जो कि अब जिंदा नहीं है, ये कहना कितना निंदनीय है, कितना घृणा वाला काम है। शेम टू केजरीवाल एंड होल आम आदमी पार्टी। सर, बात की जाए 4 साल की, तो क्या मानते हैं कितना विकास अभी दिल्ली में हुआ है और क्या अभी लगता है? देखिए, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता कि क्या हुआ है, बस ये क्योंकि अपने को बहुत बड़ा ऑफिसर समझ के नए नए बदलाव करने की सोचता है, तो 4-4.5 साल इसने बदलाव में कर दिए वेस्ट, मोहल्ला क्लिनिक और पता नहीं क्या क्या बदलाव करने चाहे, लेकिन इसे नहीं पता कि 70 साल से जो सिस्टम डेवलप हो रखा है उसके विपरीत अगर कोई सिस्टम लाना चाहेगा तो उसने करीब करीब दिल्ली को 10-20 साल पीछे लेके चला गया है ये, और मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता का इससे ज्यादा नुकसान कभी नहीं हो सकता था। अच्छा, बात की जाए 12 मई एक डेट निश्चित की गई है मतदान की, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को सब? 12 तारीख तो दिल्ली में मतदान है 12 मई का, और पूरे देश में तो मुझे लगता है 10-12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा सारा कुछ। तो कुल मिला के देखिए, हमारे मोदी जी या कोई भी बड़े नेता, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस बार मैक्सिमम मतदान कीजिए। गलत लोग इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि अच्छे लोग घर से बाहर नहीं निकलते मतदान करने के लिए, इसलिए कृपया सभी उपलब्धियों को देखते हुए सड़क पर निकल के आए, रोड पर निकल के आए, लोगों को बताएं, और बड़े बड़े जो लोग हैं वो जनता को मोटिवेट करें कि जरूर 100% मतदान करें। जिस तरीके से आपने सुना कि डॉक्टर यूके चौधरी ने बताया कि जो मतदान दिवस है उसको एक राष्ट्रीय पर्व की तरह समझें, और जो अपना मत है, कीमती मत, उसको डालकर एक सही सरकार चुने जो आने वाले भविष्य को हमारे को साकार कर सके। कैमरामैन प्रिंस सोलंकी के साथ संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।